रेलवे हिमाचल टीवी में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर से मिलिए खास शो में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अमित डवास से और जानते हैं क्या है लक्षण, क्या है मुख्य कारण इस खास एपिसोड में। डॉक्टर अमित डवास, रेलवे हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहिनी। डॉक्टर अमित, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुर्दे की पथरी होने के मुख्य कारण क्या है। हाँ देखिए मोहिनी, गुर्दे की जो पथरी है उसके कई कारण हैं। तो अगर आपकी डाइट गलत है, तब जैसे हम अपने पुराने एपिसोड्स में भी बता चुके हैं, अगर आपका लाइफ स्टाइल गलत है और आपका हैबिट स्टाइल जो है वो गलत है, सही नहीं है, तो उसकी वजह से कई रोग हमें लगते हैं जिनमें से किडनी स्टोन भी है। लेकिन अगर किडनी स्टोन की स्पेसिफिक बात की जाए तो किडनी स्टोन में हम देखते हैं कि किडनी स्टोन कई तरह की होती है। तो हर प्रकार की जो किडनी स्टोन बनती है उसके कारण अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा जैसे आप मीट ले रहे हैं या फिर आप पनीर का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसे भोजन का चुनाव करें जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, तो प्रोटीन जब हमारे शरीर में पहुँचता है तो शरीर में पहुँचने के बाद जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में बनते हैं जो किडनी से के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं जी। ठीक है, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, उसके द्वारा वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब ज्यादा प्रोटीन लेने के बाद हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो यूरिक एसिड है जी। वो बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड की अगर आपको स्टोन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने खाने में हाई प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं जी। अच्छा, कई लोग हम ऐसा देखते हैं कि ऑक्सीडेट की भी उनको स्टोन होती है, कैल्शियम ऑक्सीडेट की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा भोजन अगर आप करें जैसे पालक है, टमाटर है, बैंगन है, तो इनको खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर एक्सेसिवली ऑक्सीडेट पहुंचता है और कई केसेस में हम देखते हैं कि उसकी किडनी स्टोन बनती है। और अगर कई बार आपका लीवर अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, अगर आपका लीवर काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा होता है तो क्योंकि लीवर का भी रोल होता है कैल्शियम ऑक्सीडेट के लिए जी। तो उस केसेस में भी आपको किडनी स्टोन बनती है। बेसिकली जो किडनी स्टोन होती हैं इनके जो मुख्य कारण हैं वो आपका थायराइड भी, अगर आपको थायराइड रहता है तो भी आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं। दूसरा ये कि अगर कई लोग ऐसे हैं जिनकी सर्जरी होती है, जिनको हार्ट की सर्जरी होती है उस दौरान, या एंजियोप्लास्टी होती है उस दौरान, उनको जो स्टेंट डाला जाता है उसके अंदर एक लिक्विड लगा होता है, वो लिक्विड जब एक्सक्रीट होकर के किडनी तक पहुँचता है हमारे ब्लड के माध्यम से, तो किडनी की फिल्ट्रेशन को वो प्रभावित कर देता है। तो उस दौरान भी कई लोगों को किडनी की डिजीज होती है जिसमें किडनी स्टोन भी शामिल है। तो हम देखते हैं कि जैसे जितने प्रकार हैं उन प्रकारों की वजह से हम देखते हैं कि इसके कारण भी अलग अलग, यानी कि हर कारण की वजह से एक अलग प्रकार का जो किडनी स्टोन है वो जन्म लेती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो किडनी स्टोन होती है वो चार तरह की होती है, जिसमें यूरिक एसिड की किडनी स्टोन होती है, कैल्शियम ऑक्सीडेट की किडनी स्टोन होती है, और मेलिट की भी हो सकती है, और एक होती है आपकी सिस्टेम जो कि हेरिडिटरी चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग चलता है। तो ये जो रोल है किडनी स्टोन होने के जो मुख्य कारण वो ये है जी। बिल्कुल डॉक्टर अमित, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किडनी स्टोन बार बार होने के मूल कारण क्या है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई लोग हमारे पास किडनी का ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं और कई लोग कहते हैं कि वो ऑपरेशन भी करवा चुके हैं लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद भी बार बार उनको किडनी स्टोन होती है। तो हमारे पास जो लोग आए किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए, हमने अक्सर उनमें देखा है कि इसके साथ साथ जो पैराथायराइड हार्मोन है उनका वो बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है। होता क्या मोहिनी कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ होती हैं, इनके बारे में ऑलरेडी मैं थायराइड के प्रोग्राम में हम बता चुके हैं कि थायराइड आपके शरीर के अंदर जो कैल्शियम है उसके मेटाबॉलिज्म का रखरखाव करती है हड्डियों के अंदर। लेकिन एक कैल्शियम सीरम होता है जो ब्लड के अंदर कैल्शियम के रखरखाव के लिए रेस्पॉन्सिबल होता और उस काम को करता आपका पैराथायराइड हार्मोन। तो अगर आपकी पैराथायराइड हार्मोन जो ग्रंथि है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती है तो आपकी हड्डियों से ज़्यादा कैल्शियम को वो चुराने का काम करती है और ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा ले आती है। तो होता क्या है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो जब किडनी तक रक्त के माध्यम से ज़्यादा ब्लड पहुँचता है और उस ब्लड के अंदर एक्सेसिवली कैल्शियम होता है तो कैल्शियम कई बार वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से बार बार किडनी स्टोन बनती है। अगर इस प्रकार की समस्या किसी पेशेंट को है कि उसको बार बार किडनी स्टोन हो रहा है तो सबसे पहले वो अपना टेस्ट कराए कि आप उसके रक्त के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ बढ़ रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये
कि अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप अपना पैराथायराइड यानी कि पीटीएच हार्मोन का आप टेस्ट कराएं, क्योंकि बार बार किडनी स्टोन होने के पीछे जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो पीटीएच हार्मोन होता है। बिल्कुल, इसी के साथ जितने भी दर्शक इस समय हमें लाइव देख रहे हैं हम उन्हें बताना चाहेंगे डॉक्टर अमित डवाश के नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, यदि कोई भी जानकारी आपने उनसे प्राप्त करनी है तो आप जरूर इन नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। बिल्कुल डॉक्टर अमित, अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े बुजुर्ग तो है उन्हें इस समस्या से जूझ ही रहे हैं, लेकिन युवाओं में भी ये समस्या कॉमन हो चुकी है आज की डेट में, तो इसके क्या मुख्य कारण है? देखिए मोहिनी, युवाओं के अंदर जो मुख्य समस्याएं हो रही हैं आज की डेट में, हम देखें तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो कम बीमार हैं, लेकिन जो युवा है वो ज्यादा बीमार है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम देख ही सकते हैं कि जो ओल्ड एज के जो लोग हैं वो फिर भी अभी मजबूती के साथ चल रहा अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो युवा है आज की डेट में वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं, ज्यादातर बीमारियां युवाओं को पकड़ रही हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो खान पान है वो बहुत ज्यादा विकृत हुआ है, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान और हमारा काम करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ज्यादातर लोग एसी यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग फास्ट फूड खा रहे हैं जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो हाईली प्रोटीन डाइट ले रहे हैं नाइट में, बहुत ज्यादा नाइट में ले रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या कि आपके शरीर का पूरा जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाता है, और अगर किडनी स्टोन की हम बात करें तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के पीछे सबसे ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो आपकी थायराइड भी होती है। तो इस समय अगर हम बात करें तो भारत की अगर मैं बात करूँ तो 42 मिलियन जो पीपल्स है वो इस चीज से सफर कर रहे हैं थायराइड की समस्या से। तो थायराइड के साथ भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है जी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि प्रॉपरली आप पानी जरूर पीते रहे, पानी आपने बहुत अच्छा पीना है जी। और पानी अगर जब आप अच्छा पीते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर 70% पानी है। तो पानी जब शरीर में सही रहेगा तो आपके शरीर की जो सामान्य क्रियाएं हैं, जो नॉर्मल क्रियाएं हैं, वो नॉर्मल रहने वाली हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर सभी क्रियाओं को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसकी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो टॉक्सिन है बॉडी के उसको बाहर निकालने के लिए पानी की बेहद जरूरी है, क्योंकि यूरिन के रूप में, परस्पिरेशन के रूप में या स्टूल के रूप में कहीं ना कहीं बॉडी से जो गंदगी को बाहर निकालता है वो पानी ही निकालता है। तो पानी का इंटेक आप अच्छा करते रहिए। बिल्कुल डॉक्टर डवाश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दर्शकों को कैसे पता लगेगा कि किडनी स्टोन की समस्या हो रही है, या जो भी पेशेंट है उन्हें कैसे पता लगेगा? देखिए मोहिनी, अगर आपके किडनी के एरिया में यानी कि बैक में अगर आपके दर्द हो रहा है, ठीक है, और दर्द होने के साथ साथ आपको और भी लक्षण मौजूद हैं, हालांकि किसी भी बीमारी के लक्षण निर्भर इस बात पर करते हैं कि वो बीमारी आपके शरीर में कितनी गहराई के साथ वो समाई हुई है, मतलब क्या कि कितना उसमें विकराल रूप धारण किया है। अगर किडनी स्टोन बहुत छोटी है तो उसके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, और बड़ी है तो अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अमूमन अगर हम देखते हैं तो ये सिम्टम मुख्य तौर से होते हैं, अगर कोई भी इंसान पेशाब करता है तो पेशाब करते समय कई लोगों को देखा जाता है जलन होती है, बर्निंग होती है, ठीक है। कई लोग शिकायत करते हैं कि जब वो पेशाब करते हैं तो पेशाब जो है खुलकर नहीं आता उनको, ठीक है। और कई लोग अक्सर ऐसा भी कहते हैं कि अगर वो पेशाब करते हैं तो उनको पेशाब करने के साथ में दर्द तो होता ही है लेकिन साथ में खून भी आता है, यानी कि जो पेशाब है वो लाल रंग का आता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम होने के साथ साथ हम देखते हैं कि कई लोगों को वॉमिटिंग भी आती है और पेट में गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो गैस बनना, हालांकि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है और जो किडनी स्टोन है उन दोनों में देखा जाता है, लेकिन बेसिकली जो ज़्यादा देखा जाता है वो गॉल ब्लैडर स्टोन में देखा जाता है, किडनी स्टोन में थोड़ा कम देखा जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि पेन आपका पीछे से उठकर आगे की तरफ रेफर हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि आपको किडनी स्टोन हो सकती है। इसकी पूरी तरह से जानकारी आपको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से मिल पाएगी। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो सबसे पहले आप इसका अल्ट्रासाउंड कराएं ताकि पता लग सके, क्योंकि किडनी में पेन होने के कई कारण हो सकते हैं जी, है ना। लेकिन मुख्यतः जो किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन में कई बार हम देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा किडनी स्टोन पेन कर रही है तो कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट को जो यूरिन है उसका उसमें पस सेल भी आ सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग तो होगी लेकिन पस सेल भी आ सकती है। और इसके साथ साथ पेशेंट को फीवर भी हो सकता है, लेकिन फीवर जो है वो बहुत रेयरली होता है, ज्यादातर फीवर नहीं देखा जाता, सीवियर पेन आप हम कह सकते हैं कि सीवियर पेन की समस्या हो सकती है पेशेंट को, और वो पेन इतना सीवियर होता है कि विदाउट इंजेक्शन के उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा असंभव होता है, असहनीय दर्द होता है। बिल्कुल डॉक्टर अमित, हम ये भी जानना चाहेंगे क्या बार बार यूरिन रोकने से भी किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है? देखिए मोहिनी, अगर मैं बात करूं तो यूरिन को रोकना ये अपने आप में एक बहुत गलत
निर्णय है क्योंकि ये काम कार्य नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो आयुर्वेद के अंदर 14 वेग माने गए हैं, जैसे नींद है आपकी, प्यास है आपकी, भूख है आपकी, ठीक है, काम वेग है आपका, ये किस किस तरह से 14 टाइप के वेग माने गए हैं। तो वेग आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ब्लैडर आपका यूरिनरी जो ब्लैडर है आपका फुल हो चुका है और आप उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि कई बार जो ब्लैडर है वो जोर मसल्स उसकी जोर लगा रही है उसको खाली करने के लिए, लेकिन आप आगे से रोक रहे हैं उसको। तो कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो रेक्टम है जी, सॉरी जो ब्लैडर है, यूरिनरी जो ब्लैडर है वो कई बार पैरालाइज हो जाता है। जी हाँ, यूरिनरी ब्लैडर आपका पैरालाइज हो जाता है और आपका जो यूरिन है कई बार वो नेचुरली अपने आप ही रिसना शुरू हो जाता है। तो किस अगर आप ऐसा करते हैं बार बार आप यूरिन रोकने की अगर आप कोशिश करते हैं तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है आपके शरीर से जितना जल्दी निकल जाए उतना बेहद आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैडर पर तो असर पड़ता है लेकिन किडनी के फिल्ट्रेशन पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जो किडनी फिल्टर कर रही है और आगे जो गंदगी है उसको पास कर रही है लेकिन वो आगे पास नहीं हो पा रही। तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तो किडनी स्टोन हो ही सकता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ऑलरेडी वो उसका एक जो पैरालिटिक कंडीशन है वो भी डेवलप होती है। साथ ही कई बार हम देखते हैं कि जो ब्लैडर है उसके अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा पड़ जाता है, जो आगे चल के कई बार आपको किडनी को भी आपके इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। और महिलाओं में अक्सर हम देखते हैं कि जो यूटीआई होता है मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो महिलाएं तो स्पेशली ऐसी गलती करें ही नहीं तो उनको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बिल्कुल डॉक्टर अमित, जैसे आप हमें पहले बता चुके हैं कि पथरी का इलाज भी आप कर चुके हैं काफ़ी पेशेंट्स का, कोई अपना एक्सपीरियंस आप साझा करना चाहें दर्शकों के साथ? हाँ मोहिनी, कई बार हमारे पास ऐसे केसेज आते हैं जो कि बार बार किडनी स्टोन के से सफ़र कर रहे हैं और बार बार उनको किडनी स्टोन होती है। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी जो डाइट हैबिट है उसको बैलेंस किया जाए, और कहीं अगर पीटीएच उनका बढ़ा है तो ऐसी मेडिसिन दी जाए जो कि पीटीएच यानी कि पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है हमारी उस पर मेडिसिन काम करे, ताकि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, ठीक है, वो कंट्रोल हो सके। तो नेचुरल सी बात है कि आपकी बीमारी का जो रूट है आपने वो पकड़ना है। कई लोग ऑपरेशन करने की तरफ आते हैं और ऑपरेशन करने के बाद भी वो बीमारी एज इट इज बनी रहती है, यानी कि आपने ऑपरेशन करवा के उसको निकाल तो दिया लेकिन पथरी बनी क्यों थी वो प्रोसेस अभी भी आपके शरीर के अंदर लगातार जारी है। तो जब तक वो प्रोसेस आपका रुक नहीं जाएगा तब तक जो आपकी किडनी स्टोन की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि ये समस्या किसी वजह से हुई थी, यानी कि आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपको उस वजह से हुई थी। तो जब तक आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाएगा, और इसके साथ साथ अगर आपको थायराइड की समस्या है तो भी ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है। तो कहने का मेरा मतलब क्या कि जब तक आप अपने मूलभूत कारणों का निवारण नहीं करेंगे तब तक जो आपकी प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन करने से केवल आप एक पथरी निकाल रहे हैं लेकिन वो पथरी क्यों बन रही है इस पर आप कोई काम नहीं करने वाले। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके कई ऑपरेशन हो चुके होते हैं, वो बात आते हैं बताते हैं कि सर हमारे 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं लेकिन पथरी बनना बिल्कुल रुक नहीं रहा। तो उसका मुख्य कारण यही कि या तो पीटीएच उनका बड़ा है या फिर वो खाने पीने में ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बार बार किडनी स्टोन बन रही है। मोहिनी, ऐसे हमारे कई केस हैं जो हमारे पास आए जिनमें हमारे पास कई एक लेडीज ऐसी थी जिसके 2 ऑपरेशन ऑलरेडी किडनी के हो चुके हैं, और किडनी के ऑपरेशन होने के बावजूद भी हम देख रहे थे कि उनके शरीर के अंदर कई तरह के ट्यूमर्स जहाँ आम भाषा में जिनको कहते हैं हड्डियाँ बढ़ी हुई थी, तो उस तरह के संकेत भी उनके अंदर मौजूद थे। तो जब हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम करके होम्योपैथी के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो उनकी किडनी स्टोन की समस्या ही समाप्त नहीं हुई, बल्कि उनकी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर फॉर्म हो रहे थे जो कि बोन टाइप हार्ड थे तो वो ट्यूमर भी नेचुरली अपने आप ही रिमूव हो गए। क्यों? क्योंकि हमने मेडिसिन दी पैराथायरॉइड हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, उसको जो स्तर उसका बढ़ा था उसको बैलेंस करने के लिए उसने क्या काम किया, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम सीरम बढ़ा हुआ था उसको बैलेंस कर दिया। तो उससे दोनों केस उसके सॉल्व हुए, एक तो किडनी स्टोन भी बनना बंद हो गया, दूसरा जो ग्रोथ थी उसके अंदर यूट्रस के अंदर जो ट्यूमर बन रहा था जो स्टोन की तरह पत्थर की तरह बहुत हार्ड था वो भी धीरे धीरे नेचुरली अपने आप ही रिमूव हो गया, क्योंकि आपका शरीर इतना सक्षम है कि अगर वो ट्यूमर बना सकता है तो वो ट्यूमर को डिसॉल्व भी कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक मोटा इंसान जब पतला होता है तो उसकी जो स्किन है वो लूज नहीं पड़ती है, कुछ समय के बाद वो अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाती है। एक कपड़े की तरह आपका शरीर नहीं है कि अगर इंसान पतला हुआ तो स्किन को भी काटना पड़ेगा या इंसान मोटा हुआ तो अलग से स्किन ऐड करनी पड़ेगी। आपके शरीर के अंदर वो पूरी की पूरी खासियत है कि वो अपने आप को बैलेंस करना जानता है, कहाँ वो बढ़ा सकता है, कहाँ घटाना है वो सब कुछ जानता है। तो निश्चित रूप से मेरा आप सबसे ये कहना है कि सबसे पहले आप अपने शरीर की
जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको बीमारियां हैं तो बीमारियां क्यों हैं, उनका मूलभूत जो कारण है उसको आप समझें। जी बिल्कुल डॉक्टर अमित, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे जिन लोगों को गुर्दे की पथरी है उन्हें किस तरीके का खान पान रखना चाहिए। देखिए मोहिनी, अगर किडनी स्टोन बार बार हो रही है तो एक तो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो रही है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको थायराइड है तो सबसे पहले आपको थायराइड का ट्रीटमेंट करना है, या पैराथायराइड अगर बढ़ी है तो पैराथायराइड को आपने फोकस करना है। और अगर आप गलत खान पान अपना रहे हैं, यानी कि रात को बहुत हैवी फूड आप ले रहे हैं और मौसम के अनुकूल आपका खाना नहीं है, तो नेचुरली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको होना ही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि आपका जो खान पान होना चाहिए वो वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, साथ ही रात का भोजन आपको बंद करना होगा। अगर आप किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो रात्रि का भोजन मैं कहना चाहूँगा कि आप बंद कर दें। क्यों? क्योंकि रात्रि का जो भोजन हम करते हैं उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हो नहीं पाता, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट आधारित उपापचय दर सबसे कम होती है, तो नेचुरली वो आपके शरीर में जो जा रहा है वो नुकसान ही करने वाला, फ़ायदा करने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है तो हैवी जो फास्ट फूड है उससे आपने बचना है, और साथ ही ऐसा खान पान से आपने बचना है जिसके अंदर ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही हाईली प्रोटीन जो डाइट है उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से यूरिक एसिड बढ़ेगा और यूरिक एसिड की वजह से आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या फिर जॉइंट पेन के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही ऑक्सलेट अगर आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऑक्सलेट लेने से आपको कैल्शियम ऑक्सलेट की किडनी स्टोन कॉज होगी, तो ऑक्सलेट यानी कि जो पालक है, टमाटर है, बैंगन है, इन सबको भी आपको बंद करना होगा। ठीक है, तो खाने में आपने डाइट ऐसी रखनी है जो अल्कलाइन डाइट हो, एसिडिक डाइट ना हो। ठीक है, साथ ही उसके अंदर ऑक्सलेट कम हो, यानी कि बैलेंस फॉर्म में हो, ज़्यादा फॉर्म में ना हो, और उसको आपने बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना, एक निश्चित मात्रा में लेना, यानी कि जितनी शरीर को जरूरत है उसी अनुपात में आप उसको लें। ज़्यादा आप लेंगे तो नेचुरली वो आपको या तो कैल्शियम ऑक्सलेट की किडनी स्टोन काउज हो जाएगी या फिर यूरिक एसिड की किडनी जो स्टोन है वो काउज हो जाएगी। तो बेसिकली बस मेरा यही कहना है कि लिक्विड डाइट आपने ज़्यादा रखनी है। डॉक्टर अमित, आज का मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि गुर्दे की जो पथरी है होम्योपैथी में किस तरीके से इलाज संभव है इसका? देखिए मोहिनी, होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज संभव है, जैसे कि हम पहले भी एपिसोड में बता चुके हैं कि होम्योपैथी के कंप्लीट साइंस है और होम्योपैथी में सभी प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध है। अगर आपको आपके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, होम्योपैथी में मेन सिम्टम्स माने जाते हैं, आपको बीमारी क्या ये मैटर नहीं करता। अगर आपको किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन के साथ साथ आपको पेन कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है, क्या आपके ब्लड के यूरिन के अंदर रेड सैंड आ रही है, यानी कि आपका जो जो यूरिन है क्या वो लाली उसके अंदर मौजूद है। इस तरह से ही हम सिम्टम्स लेकर के पेशेंट की टोटलिटी करते हैं, पूरा रिकॉर्ड उसका हम बनाते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इसके पीछे और कौन कौन से फैक्टर रहे हैं शरीर के अंदर जो इस तरह की कंडीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन पर हम फोकस कर पाते हैं। फिर होम्योपैथी की मेडिसिन का चुनाव करके जो मेडिसिन किसी इंडिविजुअल को दी जाती है तो मेडिसिन एक ही बीमारी को कंट्रोल नहीं करती, जैसे कि मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किडनी स्टोन के साथ साथ उसके ट्यूमर भी डिजॉल्व हो गए थे, तो वो रीज़न क्या था, क्योंकि बेसिक जो रूट है डिजीज का उस पर काम हुआ। तो सेम होम्योपैथी में यही होता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी उन चीज़ों पर आपका काम होता है। तो होम्योपैथी में मेंटल पिक्चर और फिजिकल जो सिम्टम्स हैं उनको पिक करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग टोटलिटी करनी पड़ती है, उसके बाद इंडिविजुअलिटी करनी पड़ती है, उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। ऐसे कई केसेस हैं हमारे किडनी स्टोन के जिनको बार बार किडनी स्टोन हो रही थी लेकिन अब नहीं हो रही है। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर अमित के लिए हिमाचल टीवी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी